आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ाया गया है उस पे अभ्यास प्रश्न होगा, प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, विभाज्यता नियम पे जवाब दीजिए। 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, बहुत जल्दी जल्दी चलो, तरीका समझ लीजिए कैसे आंसर देना है, जवाब बताइए जल्दी, सामने वाले बताइए, लाल टोपी वाले चलिए बताइए। पहला सवाल है, अगर इसमें सी सही है तो आप लिखोगे 1C, ये कमेंट का तरीका है। अगर दूसरा है इसमें तो 1B, ऐसे ये बी वाले के लिए, जो भी सही है बताओ। चलो चलिए, मैं देख रहा हूं, ठीक है सबर करिए थोड़ा सा, कमेंट देख रहा हूं, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बहुत अच्छा, मैं जवाब बताऊंगा, थोड़ा तसल्ली रखें, अगले सवाल में आ जाओ सेकंड में। वंदना कुमारी, प्राची यादव, पीके गेमिंग, अर्चना सिंह, करण शिरोमणि, बढ़िया है, सब ही कह रहा है, ठीक है। सेकंड में अगर डी सही है तो 2D लिखेंगे, ए सही है तो 2A, सब पढ़ा चुका हूं। परिता, हाँ कमेंट आ रहा है, आइए आंसर क्लियर करें। नहीं, सही सवाल का जवाब क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम में PDF बना के भेजेंगे, चिन्ह लगा लगा के, नियम और तरीका बता दे रहा हूं, हिंट्स दे दे रहा हूं, ठीक है। चलो, दो से विभाज्यता नियम होता है कि कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो दो से विभाजित होती है कंप्लीटली, ठीक है, तो देख लो इसमें बता दो कौन सा सही है। इसके लिए भी वही नियम लागू है, कर लेंगे ना पक्का। चलो, 3 से विभाज्यता नियम में आ जाओ, 3 से विभाज्यता नियम पे आ जाओ। देखो क्लास वलास के लिए ना थोड़ा सा इंसान को टेंशन होनी चाहिए, चिंता होना चाहिए, पहले से लगाव होना चाहिए, तब क्लास अच्छी चलती है। कहो कि क्लास 10 बजे से है, हम 9 बजे जाग जाएं, कहाँ पढ़ाना है, तो क्या चलेगा फिर, वही बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी क्या, अक्सर मेरा ऐसा हो जाता है आजकल, उसकी वजह है कुछ लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है बताओ। 3 से विभाज्यता नियम का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, जैसे इनके अंकों का योग करें, 3 2 5, 5 10, 1 11, 2 13, 3 16 और 2 18, 18। बहुत अच्छा, 3 में अगर ए सही है तो 3A, अगर सी सही है तो 3C, डी सही है तो 3D, ये कमेंट का तरीका है बताओ। मैंने हिंट दे दिया है, इसका सलूशन मैं सही जवाब PVR स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर क्लास के बाद में भेज दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर। चार नंबर में आ जाओ, थोड़ा रुक जाता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, प्राची यादव, प्रांजल ठाकुर, शिरोमणि शर्मा, मोनी प्रजापति, नुपुर निगम, प्रियंका पटेल, पूजा पटेल, हाँ जी कमेंट आ रहा है, अतुल तिवारी जी, आपका भी कमेंट आ रहा है, कोई भी संख्या जिसका लास्ट का दो अंक जो बनता है, जैसे इसमें 11 बन रहा है, इसमें 2 अंक 48 बन रहा है, इसमें 64 बन रहा है, इसमें 44 बन रहा है, वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, अगर है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है, लास्ट का सिर्फ 2 अंक तुम्हें देखना है। तो 4 से ये भी, ये भी, ये भी विभाजित है, यानी ये तीनों विभाजित हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ये वाला, ए वाला सही आंसर है, क्योंकि कह रहा कौन 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, सवाल उल्टा है। सही जवाब टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा क्लास के बाद। अगला सवाल जवाब दीजिए,
निम्नलिखित में से, एक मिनट, हेलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पांच से पूर्णतः विभाजित है, बताइए। बता भाई, फाइव में अगर ए सही है तो बाबू बोलोगे पांच ए, अगर डी सही है तो पांच डी, सी है तो पांच सी, बोलो। अनुज, ठीक है, पांच से विभाज्यता नियम होता है किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट जीरो या पांच होना चाहिए। अगर जीरो या पांच में से कुछ है तो वो पांच से पूर्णतः विभाजित है, अन्यथा नहीं है। तो जनाब प्रैक्टिस कर लो, बहुत जरूरी है। पांच से पूर्णतः विभाजित ये है, इसका कलर भी अलग है क्योंकि लास्ट में पांच इसी में है ना, बाकी कोई नहीं है। चलो छठवां में आ जाओ, योगेश साहू बताओ। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नौ से पूर्णतः विभाजित है, बताओ। नौ से पूर्णतः विभाजित, अगर डी सही है तो छह डी, ए सही है तो छह ए, सी है तो छह सी, ये कमेंट का तरीका है। सुवानी, आ रहा है, हेमंत सिंह, बिक्की, वर्तिका, नाइन नहीं है, नाइन कहां से आ गया, छठवां नाइन कहां से बता रहे हो, ठीक है। नौ से विभाजिता नियम वही होता है जो तीन वाला होता है, सेम टू सेम, दी गई संख्या के अंकों का योगफल नौ से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलो चल भाई, रेडी, और कोई एनीवन ट्राई करेगा, कोई भी, सबर सबर सबर, थोड़ा सबर, ठीक है, वेरी गुड। तो नौ से विभाजिता नियम के अकॉर्डिंग छह में डी वाला हो जाएगा ना, डी वाला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, बताओ। बहुत आसान है, इससे आसान हो ही नहीं सकता है। बोला हो सात वाले में, बताइए। ठीक है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, कह रहा है साहब, नहीं है। 10 से विभाजिता के लिए लास्ट का अंक जीरो होना चाहिए, तो ये है सी वाला है। कौन सा, सी वाला ना, कुछ नहीं है तो सी। आठवां में आ जाओ, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, मतलब ए बी सी नहीं है, ले लो। आठ से पूर्ण विभाजित है, आठवां में आठ से पूर्ण विभाजित है, कौन सी बताओ। आठ से विभाजिता नियम होता है साथी मेरे, दी गई संख्या के जो लास्ट के दो डिजिट हैं, दो नहीं तीन डिजिट, वो जो बन रहे हैं, जैसे सात नौ छा, इसमें जैसे चार छा छा, इसमें चार छ सात, ये आठ से कंप्लीटली अगर डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। देख लो,
एक और नहीं है, कोई नहीं है, कोई बताएगा, कोई है कहाँ? आठ में ए, प्राची यादव कैसे है बताओ? आठ से कटेगा क्या? आठ नौ 72, 7 बचेगा, हो जाएगा 76, और 76 आठ से कहाँ कटेगा? आठ से इसमें कोई संख्या डिवाइड है क्या? ये सभी देखो एक बार, कुछ लोग तुक्का मार रहे हैं, कुछ लोग तुक्का मार रहे हैं, ए बता रहे हैं, कोई बी बता रहा है, जैसे देखो ये सरस्वती जी बता रही हैं, क्या ही कहूँ, जो लोग बी बता रहे हैं, आठ से इसको भाग करो कटेगा, 8 5 40 बचेगा, 4 हो जाएगा ये, फिर से 46, अब 46 आठ से कहाँ कटेगा? तुक्का मत मारिए, नाम तो बहुत अच्छा अच्छा रख लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखना, लिखना पड़ेगा, आप बताइए 9 नंबर जवाब देना इसका, फटाफट हल करना और बताना, टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा। अनुमान लगाइए और बताइए। इसका मान बताओ क्या आएगा? नौ में कोई बताएगा? एनीवन? 12 है, 12। चल भाई, अगले पे चले। इसका जवाब सोचना, हल करना। सही जवाब क्लास के 1 घंटे के अंदर आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। 10 नंबर पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। चलो इसका बताओ, दिख रहा है? दस में कोई बता पाएगा? एनीवन? प्रकाश को ब्लॉक करिए। कॉपी पेस्ट वाले बर्दाश्त नहीं है, नंबर नीचे चल रहा है, अगर भगवान ने थोड़ा सा भेजा दिया है दिमाग जिसे बोलते हैं, तो उस पर संपर्क करिए। यहां हम सब नहीं कर सकते, माफी चाहते हैं, एक साथ सब नहीं होगा। चलिए इसमें कौन सा ही है? 10 में 9 देखिए, बताइए। ठीक है, चलिए बहुत छोटी छोटी कुछ बातें कर लेते हैं, पूछ लेते हैं और फिर ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं करना था आज यहाँ पे। एक नंबर वाले क्वेश्चन अगर क्लियर है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में, तब भी आप पास होने की पूरी उम्मीद कर सकते हो। सिर्फ एक नंबर वाले सारे सवाल तैयार कर लो, बड़े वाले में सिर्फ एक, बस पास हो जाओगे आराम से। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। बताओ 11 में,
मोहनी को ब्लॉक किया गया 5 मिनट, शिरोमणि को 5 मिनट के लिए ब्लॉक, जो जो बाय कर रहा है इन सबको ब्लॉक करो। चलो सिर्फ पढ़ाई फालतू नहीं। अनुचित भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बताइए कौन सा है। आगे 12 नंबर, एक सौ बीस मिनट, मिनट जल्दी करो, बहुत आसान चीजें हैं ये। मनीषा बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है 12 में, 11 वाला देख लो जो नहीं देख पाए थे। जल्दी करो, बहुत आसान चीजें हैं। चलें आगे बढ़े। चलो भाई मनीषा सिंह बहुत अच्छा, 13 में आ जाओ। एक नंबर वाले सारे प्रश्न तैयार हैं मैथ में, पास हो पक्का जान लो, एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन, और एक नंबर वाले सारे नहीं तैयार हैं फेल हो जाओगे पक्का। जल्दी करिए, 13 ABCD क्या होगा? आपकी नंबर अंजनी यादव को ब्लॉक करने का है, योग बहुत ज्यादा 3-5 करती रहती है, हाँ में हाँ मिलाती रहती सबके बात में, और एक सचिन सेन है इनकी तो बात ही ना करो, ये तो भैया नंबर एक पे हैं। कह रहे हैं बात करते रहो नींद नहीं आएगी, देखो नींद उन्हीं को आती है जो ब्याह के लिए पढ़ रहे हैं, शादी के लिए, कि पढ़ते रहेंगे तो रिश्ता उश्ता अच्छा आएगा, पापा लोग बताएंगे भैया बिटिया पढ़ती है DLED करती है BTC, अब यही लिए पढ़ती है ब्याह हो जाए बस, ओके बात तो ना पढ़ेगा है तो उनके नींद आएगी। जिनको ये है कि DLED कर लेंगे, टीचर बनना है, इस देश के बच्चों को पढ़ाना है, इस देश के भविष्य को बनाना है, आगे चल के टेट सीटेट सुपर टेट निकालना है, तो उनको नींद नहीं आएगी, समझ रहे हो कि नहीं? कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, याद रखना जिंदगी में एक इंसान जिसको 3 दिन से खाना ना मिला हो, अगर उसे 4थे दिन सूखी रोटी नमक मिल जाएगा ना, तो उसे ये नहीं कहना पड़ेगा खा ले बेटा खा ले, तू खा सकता है, तू खा सकता है, रोटी बहुत अच्छी है खा ले, मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, खुद खा लेगा। तो वैसे लाइफ में कुछ पाने की ना एक भूख होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए, अगर होती है तो फिर मोटिवेशन नहीं चाहिए, नींद भी नहीं आती है, नहीं आएगी नींद, समझ रहे हो ना? जो तुम्हारे अंदर भूख ही नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। 1 लीटर 900 ml बराबर है कितने, 1900 ml के, क्योंकि इसमें 1000 ml होगा। आगे बढ़े, चलिए तो जितने लोग ब्याह वाले हैं भैया शादी वादी के लिए पढ़ रहे हैं वो सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई चलती रहेगी, बैक लगता रहेगा, 3 बार बैक लगेगा, 4 बार बैक लगेगा, तब तक तो शादी ब्याह हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं कोनो कोनो फंस ही जाएगा। बस ये नाम रहना चाहिए ना, पढ़ाई चल रही, बस चलो आगे। कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए, चौदह वाला बताओ भाई। चलो
पंद्रह में पंद्रह जल्दी करो फटाक फटाक चलो रितेश यादव सोनम दुबे राठौर जी आ रहा है कमेंट आ रहा है अंकित जल्दी करो फटाक फटाक चलो देखो बाबू 14 में अगर सी सही है तो तुम लिखोगे 14 सी अगर ए सही है तो 14 ए एफ ए वैसे इसमें डी सही है कौन अधिक कोण नहीं है ऑब्टयूस एंगल नहीं है बताओ इसमें कौन सा है बी वाला 15 में बी नहीं है अधिक कोण क्योंकि अधिक कोण 179 पे खत्म हो जाता है इसके आगे अधिक कोण नहीं होता है ठीक है तो एक बार मैं सारे प्रश्न को रिपीट करूंगा देखो मगर प्यार से एक बार रिपीट करूंगा चलो सभी फ्री क्लास के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें जिससे सारी अपडेट मिलती रहे इसमें बहुत सारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है उन सब का जवाब हम टेलीग्राम पे क्लास के एक घंटे के बाद दे देंगे एक घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में ठीक है आंसर बताइए जवाब दीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है अगर ए सही है तो इसका आप लिखोगे 1A अगर बी सही है तो लिखोगे 1B एफ ए सी सही है तो 1C बोलो कौन सा वेरी गुड इसका आंसर है ए ए वाला है सही निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित है सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं जो लेट हैं कोई दिक्कत नहीं चलो दो से विभाजित के लिए लास्ट का अंक 02468 कुछ ना कुछ होना चाहिए ए वाला इसका भी सही है नहीं यार एक मिनट विभाजित है बोल रहा है तो ये वाला बी वाला है बी थर्ड में आ जाओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित है अभी इसको रिपीट करेंगे एक बार और हो सकता है नहीं फालतू टाइम क्या मतलब खराब करना चलो इतने में तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए यार तीन से विभाजिता के लिए इनके अंकों का योगफल तीन से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए बोलो कौन सा है तीन में ए है जोड़ लो ये है इनका योगफल 18 आएगा ना 2 3 5 5 10 11 2 12 13 3 16 2 18 बाकी ऐसा कौन नहीं है महिमा यादव हाँ कमेंट आ रहा है मनीषा जी आ रहा है चलो फोर में चार से विभाजिता के लिए लास्ट का दो अंक यार भाई इसके पहले मैं थोड़ा गलत बताया था क्या शायद मैं भी ना केवल दो अंक जो है वो उससे जो संख्या बन रही है ना नहीं सही बताया था गलत नहीं था वो चार से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए सवाल फिर से पढ़ना थोड़ा अलग है ये नहीं है बोल रहा है तो ये वाला ए वाला है ए वाला सही है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पांच से पूर्णतः विभाजित है बताओ लास्ट का अंक 0 या 5 कुछ ना कुछ होना चाहिए उससे अलावा कुछ नहीं चलेगा तो ये वाला सी वाला सही है लास्ट का अंक
जीरो या पांच होना चाहिए तभी पांच से कटेगा। नौ से विभाज्यता के लिए अंकों का योगफल नौ से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। छठा में प्राची यादव जी बताइए, शुभम राजपूत बोलो भैया, चलो महिमा सिंह डी वाला है, जोड़ के देखो डी वाला है। सत्ता में आ जाओ, कैसे कह रहा दस से पूर्णता विभाजित नहीं है, लास्ट का अंक जीरो होना चाहिए ओनली, तभी होगा अन्यथा नहीं। चलो नहीं है मतलब सी वाला, कुछ नहीं है तो सी मान लो, इसमें बताओ कौन सा है। चलो चलें आगे, कौन सी संख्या आठ से पूर्णता विभाजित है? आठ से विभाजित होने के लिए दी गई संख्या के जो लास्ट के तीन अंक हैं उनसे मिलकर बनने वाली संख्या आठ से विभाजित होना चाहिए, तो इस कंडीशन के अनुसार इसमें कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। प्रियंका पटेल बिल्कुल सही, ठीक है नौ में आ जाओ। नौ में कर लोगे? ठीक है, इसका सही जवाब है 144। 144 है, हल करोगे मिल जाएगा। इसका सलूशन भेज दूंगा मैं टेलीग्राम पे, अभी भेज दूंगा, क्लास के एक घंटे के अंदर भेज दूंगा, रात 12 बजे पहले पहले सुबह देख लेना जो लोग सो जाएंगे, ठीक है। 10 में आ जाओ, इसको हल करेंगे, ऊपर घात माइनस है, कटे पिटेंगे सब कुछ होगा, तो बी वाला सही होगा फाइनल में। चलो 11 नंबर, अनुचित भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा हो, नहीं हर बड़ा हो अंश छोटा हो, उचित भिन्न कहलाती है, सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका अपोजिट हो, जिसका भिन्न का हर छोटा हो अंश बड़ा हो, उसे अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न भी बोलते हैं। बारह में आ जाओ, हाँ रुखसार अंसारी कमेंट आ रहा है, एक घंटे 72 मिनट में कितना मिनट होगा? बहुत आसान है यार चच्चा ही, तो एम में 60 मिनट हुए और ये 72 ऑलरेडी दिया है, तो 7 6 13 132 मिनट। डी वाला सही है, एक लीटर 900 ml कितने के बराबर है? भाई एक लीटर में 1000 ml होता है,
और 900 जोड़ दोगे 1900 ml हो जाएगा टोटल। सी वाला सही है। किसी को और कोई तकलीफ? 1 लीटर 900 ml कितने के बराबर भाई? 1 लीटर में 1000 ml होता है, 900 जोड़ दोगे 1900 ml हो जाएगा टोटल। कोई दुख दर्द नहीं ना? कोई दिक्कत तो बताओ मुझे। किसी को कोई एनी प्रॉब्लम? चलो 14 नंबर बताओ। चौदह कह रहा निम्न में कौन संपूर्ण कोण है, इसे इंग्लिश में कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो 360 वाला है। कौन सा है? 360। निम्नलिखित में से कौन अधिक कोण नहीं है? अधिक कोण देखो कॉन्सेप्ट जान लो भैया, अधिक कोण 91 से 179 तक होता बाबू, 179 तक होता है। इसके ऊपर या इसके नीचे कोई कोण है तो वो अधिक कोण नहीं होता है। जैसे 180 है, अधिक कोण नहीं है। क्यों 180 अधिक कोण नहीं है? क्योंकि ये सम ऋजु कोण है। नहीं तो बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो आज की कहानी आज की क्लास के साथ खत्म होती है।